इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुजालपुर से, जहां पर निकाय चुनाव में के पहले बीजेपी में मचा घमासान। बीजेपी के जिला कार्यकारिणी मनोनीत सदस्य ने दिया इस्तीफा। ओम प्रकाश अग्रवाल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। चुनाव के पहले अचानक इस्तीफा देने से भाजपा में मचा हड़कंप। निकाय चुनाव में भाजपा को पड़ सकता है भारी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शाजापुर जिले के सुजालपुर से, जहां बीजेपी के जिला कार्यकारिणी मनोनीत सदस्य ओम प्रकाश अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मतदान के महज एक दिन पहले इस्तीफा देने से भाजपा में हड़कंप मच गया है। भाषा नमस्कार। नमस्कार, दीपक सक्सेना बोल रहा था, पत्रकार भाषा। हाँ भाई साहब, क्या इस्तीफा? मैंने इस्तीफा दे दिया है। मेरे को कल तक का वो बोल गया था पत्रकार को मत देना। कल सारे पत्रकारों को फोन आया था घर से जी, तो मैंने किया कि मैं अब मैंने देवेंद्र से बात कर लिया था अभी जी, तो मैंने तो दे दिया है। मैं वही मामले की अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं सुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना से। दीपक, बताइए अचानक इस्तीफा देने की वजह क्या है और इससे भाजपा को चुनाव में कितना फर्क पड़ सकता है? मनोनीत सदस्य जो जिला कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश अग्रवाल, जो शहर में एक अच्छी छवि भी रखते हैं, उन्होंने इस्तीफा सौंपा है और इस्तीफे में अपना निजी कारण बताया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित ये नगर पालिका की टिकटों से जुड़ा मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं 7 साल बाद सुजालपुर नगर पालिका या मध्य प्रदेश पार्टी की महत्वता को नजरअंदाज करते हुए ओम प्रकाश अग्रवाल ने इस्तीफा सौंपा है और ये एक बड़ी बात है। और साथ में आपको दिलका मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बीती रात सुजालपुर में कुछ पर्चे भी अज्ञात लोगों द्वारा बांटे गए हैं, जिसमें विभिन्न वार्डों में सोच समझकर मतदान करने की बात कही जा रही। जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि महज 24 घंटे पहले इस तरह का बड़ा डैमेज पार्टी के अंदर उभर के आना और इस्तीफा देना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक नुकसानदायक है। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की विधानसभा है, यहाँ पर निश्चित भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे पूर्व इस डैमेज कंट्रोल को रीति नीति और अपने आदर्शों के लिए जानी जाती है, उसमें इस तरह के घमासान होना कहीं ना कहीं पार्टी की रीति नीति के भी खिलाफ माना जा सकता है। जी, इस्तीफा देने का की कोई वजह सामने आई है क्या? निश्चित उनका कहना है कि मेरा निजी कारण है, लेकिन निश्चित वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से टिकट कहीं एक कांग्रेस बैकफुट पर ही नजर आती। कांग्रेस का अभी सुजालपुर नगर में कहीं ऐसा वर्चस्व नजर नहीं आता कि कांग्रेस जीतने की लालसा रख रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक नुकसानदायक है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक अच्छे विजयश्री की ओर अगर बढ़ रही थी तो उसमें ओम प्रकाश अग्रवाल का कोई बयान सामने आया है क्या? एक ऑडियो जिसमें हमने फोन से उनसे दूरभाष पे चर्चा की, उन्होंने स्पष्ट माना है कि हाँ, मैंने अपने जिलाध्यक्ष को अपने मंडल अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया है और मैंने उनको अवगत भी करा दिया है। टीवी भी चला रहे हैं जो शहर में बीती रात वायरल की गई है, जिसमें विभिन्न वार्डों में सोच समझकर मतदान करने की बात कही है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।